दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको सबसे अथेंटिक न्यूज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी जानकारी दूंगा 100% अथेंटिक दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा वाच करें, समझने का प्रयास करें। हर एक खबर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर शिक्षक लामबंद। लेकिन क्या वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी? सबसे अहम सवाल। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध हरदोई, लखीमपुर, रायबरेली, लखनऊ व सीतापुर के अनुदानित कॉलेजों के शिक्षक लामबंद हो गए हैं। इन्होंने मंगलवार को 46 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय की गेट संख्या 1 पर लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त शिक्षक संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। क्या पुरानी पेंशन बहाल होगी? तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, विदाउट छल और कपट 1% झूठ नहीं। वर्तमान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे। जब मुखिया ही कह रहा है हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे, तो क्या उम्मीद लगाए आप बैठे हैं कि ज्ञापन देने से पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी? दोस्तों, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि बीजेपी का स्टैंड है, वर्तमान जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, जो सुनने में आता है, उस आधार पर बता रहा हूं कि एनपीएस बेस्ट ओपीएस से। परंतु पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि बुढ़ापे की लाठी ओपीएस है, ना कि एनपीएस है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है एनपीएस में कई फायदे हैं, इतना साल जमा करोगे इतने पैसे मिलेंगे। तो हर एक त्रिगम्मा लगाया जा रहा है, लेकिन त्रिगम्मा सरकार का काम नहीं कर रहा है। ना धरना रुक रहा है, ना कर्मचारियों की मांग रुक रही है। तो यह सबसे बड़ा मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को आपको मिलेगा। अब मैं बात करूंगा अब तक की बिग अपडेट के बारे में। एसएससी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 360 पदों पर भर्ती होगी, आवेदन शुरू हो गया है। 27 विभागों में की जाएगी भर्ती। आपको बता दें कि अनारक्षित के 157 पद हैं, जबकि एससी के 38, एसटी के 14, ओबीसी के 72 और ईडब्ल्यूएस के 26 पद आरक्षित हैं। 27 विभागों में भर्ती की जाएगी। किसी विभाग में 4 पद हैं, किसी विभाग में 10 पद हैं, किसी विभाग में 3 पद हैं। इस प्रकार से 27 विभागों में भर्तियां की जाएंगी। अगली अपडेट है सफाई कर्मियों को लेकर। सफाई कर्मियों को बड़ा झटका लगा है। सफाई कर्मी गांव में जाते थे और अपने साथ में 200 रुपये करके मजदूर भी ले जाते थे। ऐसी स्थिति सामने देखने को मिली है। और गांव के जो मुखिया होते या प्रधान से साठ गांठ करके अपना काम चला लेते थे, लेकिन अब वह काम चलने वाला नहीं है। धीरे धीरे कड़ाई शुरू हो गई है। प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्यरत 1,08,000 से अधिक सफाई कर्मियों की भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। विभाग के संज्ञान में आया है कि पंचायतों में सफाई कर्मी उपस्थित नहीं रहते हैं, इससे गाँव में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति ग्राम प्रधान की ओर से प्रमाणित की जाती है, उसके बाद शासन से उनका वेतन जिलों को हस्तांतरित किया जाता है। पंचायती राज विभाग ने गांवों में सफाई व्यवस्था को ठीक करने और सामुदायिक शौचालय के रखरखाव की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सफाई कर्मियों की उपस्थिति ऑनलाइन करने का शासनादेश जारी किया है। तो अब उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करानी पड़ेगी, जिससे जो घोलमाल या घूमने फिरने या गाँव में आने की ना व्यवस्था थी वह समाप्त हो सकती है। कुछ ना कुछ उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूंगा यूपी 888 की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। यूपी 888 के हवाले, जल निगम की भर्ती की जाएगी। जल निगम जेई की भर्ती की जाएगी। बिग अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। प्रदेश कैबिनेट से सपा सरकार एक और फैसला पलटते हुए जल निगम में और अभियंताओं की यानी कि जेई की भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया। सपा सरकार ने जाते जाते 2016 में आयोग से भर्ती का अधिकार वापस ले लिया था। योगी सरकार के इस फैसले के बाद जल निगम और अभियंता और विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
तो बिग अपडेट, बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेई सिविल व विद्युत यांत्रिक के लिए वेतन बैंड जो है वह 9300 से 34800, ग्रेड पे 4200 रुपये निर्धारित किया गया है। तो बिग अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ, जेई की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, परंतु कब यह अभी स्पष्ट नहीं है। जब भर्ती के संबंध में कोई बैठक की जाएगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अब मैं बात करूंगा एलटीग्रे शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटीग्रे शिक्षक भर्ती को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन भैया एलटीग्रे शिक्षक भर्ती का भी रास्ता साफ है, उसमें कोई विघ्न नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ दूर। देखिए दोस्तों, हर बात आपको बता दी जाए, हर नोटिस के माध्यम से हर कहानी आप तक पहुंचा दी जाए, यह संभव नहीं होता है। एलटीग्रे शिक्षक भर्ती को छोड़कर बाकी का जो नाम लिया गया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं, उसके बाद एलटीग्रे शिक्षक भर्ती के बारे में विस्तार से बताऊंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली कुछ भर्तियां जो कि अहर्ता विवाद के कारण फंसी थी, अभ्यर्थियों को कई प्रमुख भर्तियों का महीनों से इंतजार था, लेकिन समकक्ष अहर्ता स्पष्ट न होने के कारण भर्तियां फंसी रहीं। इनमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, स्टाफ नर्स, एलटीग्रे शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती प्रमुख रूप से शामिल है। आयोग ने एलटीग्रे शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों की स्थिति स्पष्ट कर दी है, कब क्या होना है। आयोग की ओर से स्टाफ नर्स के 2240 पदों और सहायक और नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि अपर निजी सचिव 300 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन सितंबर के दूसरे सप्ताह और आरओ के 181 पदों पर विज्ञापन अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा, लेकिन एलटीग्रेड का कोई पता लता नहीं है। अभ्यर्थियों को अब एलटीग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती पर स्पष्ट होने का इंतजार है। दोस्तों सब कुछ हो गया, मैंने कहा है कि दो बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देने चले जाइए, आपकी भर्ती के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दो बार और एक बार मुख्यमंत्री तक एक आप ज्ञापन पहुंचा दीजिए, गारंटेड कहता हूं सब कुछ जो है सितंबर में हो जाएगा, कुछ नहीं बचा भैया, सब कुछ हो चुका है, केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है। आप समझते हो कि हर एक बात आप तक पहुंच जाएगी, तो भैया हर एक बात जब अपने घर में आप नहीं पता कर पाते हो, आपके घर में ही आपसे बहुत सारी बातें छुपाई जाती होंगी, कई घरों की मैं बात कर रहा हूं, तो जब घर की बात नहीं पता चलती तो शासन की बात आपको कैसे पता चल जाएगा। YouTube चैनल खोल लेने से हर एक जानकारी आप तक नहीं पहुंच सकती है। वही लोग होंगे जिनकी बहुत अच्छी खासी पैठ होगी, उनको भले ही कुछ ना कुछ जानकारी फोन वैसे मिल जाए, या कोई नाते रिश्तेदार होंगे या किसी के माध्यम, तब जानकारी मिल सकती है, या मीडिया प्रिंट से आप जुड़े हुए हैं, मीडिया रिपोर्टिंग करते हैं, तो भैया तब आपको जानकारी मिल सकती है। ऐसे यूट्यूब चैनल चलाने वाले बड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ है, बस दो बार, मात्र दो बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाइए, ज्ञापन दीजिए, एक मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन पहुंचाए, गारंटेड कहता हूं कि विज्ञापन आपके समक्ष होगा, विज्ञापन के संबंध में जानकारी मिल जाएगी, भले विज्ञापन ना आए लेकिन विज्ञापन के संबंध में स्पष्ट हो जाएगा कब विज्ञापन आएगा और कब इसकी परीक्षा हो सकती है। 101% गारंटेड कहता हूं दोस्तों, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं, इस तरह की जानकारी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। घर में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, सब मटिया मलिन हो जाएगा और आप इंतजार करते रह जाओगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। अब मैं बात करूंगा चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर। आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग आज होनी है। आपको यह भी मालूम होगा कि चंद्रयान की तैयारी लंबे समय से चल रही थी और ईश्वर से कामना करते हैं कि आज सफलता जरूर मिलेगी, आज सफलता जरूर मिलेगी। 6:04 की टाइमिंग बताई गई है। सरकार के द्वारा कहा गया कि हम 70,000 लोगों को नौकरी देंगे, नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था, कुछ तो वितरित हुआ था, पुनः वितरित करने की तैयारी चल रही है। नई भर्तियों का वादा कब तक पूरा होगा, जो 10,00,000 का वादा किया गया था उस पर भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। बस इंतजार है कि सरकार ने जो अपना वादा किया था वह पूरा कर रही है या नहीं। UPSC के माध्यम से पेट
का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आवेदन हो रहे हैं अब तक जो है 25 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। अगर आपने आवेदन अभी तक नहीं किया तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट अब धीरे धीरे करके स्लो चलने लगेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भर्ती आएंगी। विभिन्न प्रकार की भर्तियों के संबंध में स्पष्ट रूप से मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है कि लोअर पीसीएस इतिहास भर्तियां क्या पर 2022 से आएंगी या 23 से आएंगी, तो इसके लिए आप थोड़ा वेट करिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। UP SSC को जो एक भर्ती की सौगात मिलने वाली है, जल निगम भर्ती की सौगात मिलने वाली है, जिसका ब्यौरा आपको पता इस चैनल के माध्यम से चल गया होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही भर्ती का अध्याचन अभी तक उत्तर प्रदेश अधिरथ सेवा चयन आयोग को प्राप्त नहीं है। खासकर जल निगम की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं बात कर रहा हूँ, यही कई विभागों में होते हैं। मैं जल निगम की बात कर रहा हूँ। जल निगम का अध्याचन अभी तक UP SSC को प्राप्त नहीं है। जैसे ही प्राप्त होगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।